सीबीएसईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको टेंजेंट मेथड से पैराबोला बनाना सिखाऊंगा। पैराबोला, जिसको हिंदी में हम परवले कहते हैं, इसमें आपको एक त्रिभुज दिया होगा, त्रिभुज का कोई माप दिया होगा। पहले आपको त्रिभुज बनाना है। मान लिया क्या है, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, और 8 सेंटीमीटर से प्रकार में डिस्टेंस भर ली। यहाँ से एक आर्क लगाया और यहाँ से एक आर्क लगाया। यहाँ आपको एक समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसके नाम दे दिए ए बी और सी। ये जो ए सी और बी सी जो लाइंस दे रखी हैं, इन लाइंस को क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है बराबर भागों में। मैंने आपको डिवाइड करना बताया था पहली वीडियो में कि किसी भी लाइंस का अगर डिवाइड करना है, माना ये एक लाइन है, इसको 5 भाग में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, एक कोई भी एंगल लेंगे और एंगल से इसमें क्या करना है, पॉइंट्स बनाने, 5 बराबर दूरी पे, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। इस तरीके से ये क्या हो गए, पॉइंट लगा लिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, लास्ट वाले को सबसे लास्ट में मिलाना है, लास्ट वाले को लास्ट में मिलाना है। अब आपके पास क्या होगा, सेट स्क्वायर होंगे, दो दो सेट स्क्वायर को क्या करना है, इस तरीके से रखना है उनको, इसको सेट करके, जैसे इसको सेट करना है यहाँ पे, ये इसको सेट करना है इस तरीके से, सेट स्क्वायर को, और इसे एक जगह फिक्स करना है और इसको आगे बढ़ाना है पॉइंट्स पर। ये यहाँ से मैच होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाया और इस तरीके से लाइंस खींच ली। ये हिल सकता है, ये कहीं भी हिल सकता है, ये क्या हो गया, 5 भागों में डिवाइड हो गया। देखेंगे, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो 5 खाने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भागों में डिवाइड होगी। वैसे इसको करना है, इसको हम कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले इसके क्या करने हैं, एंगल बनाने हैं इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से कोई भी एंगल खींचने हैं, और यहाँ पर माना क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इधर 1
दो तीन चार पाँच छः, छः बराबर भागों में इसको बांट लिया। यहाँ से लास्ट वाली लाइन को इस पॉइंट से ए पॉइंट से मिलाना है, इस तरीके से। फिर क्या करना है, सेट स्क्वायर को सेट करना है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ इसको सेट करना है, इस वाली लाइन पे रखकर। और ये वाली, फिर ये सेट स्क्वायर जो है, ये वाला जो है वो फिक्स कर लेना है, इसको आगे बढ़ाना है। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते रहना है, वो एक जगह फिक्स रखना है। वैसे ही अब इस तरफ लास्ट वाले पॉइंट्स को लास्ट से मिलाना है, इधर की साइड वैसे ही इधर करना है। ये आया, इसको यहाँ रखा, फिक्स किया। फिक्स करने के बाद ये छः छः भागों में डिवाइड हो गई हैं दोनों लाइंस। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इसको नाम दे दिया। अब यहाँ से इसको जीरो, यहाँ से हमने जीरो स्टार्ट किया था, अब यहाँ से उल्टा करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब क्या करना है, वन वाले को वन से मिलाना है, वन वाले को वन से मिलाना है, टू वाले को टू से मिलाना है, थ्री वाले को थ्री से मिलाना है, तो फोर से मिलाना है, फाइव वाले को फाइव से मिलाना है। इस तरीके से ये सारी लाइंस मिल गई हैं। अब क्या करना है, हाथ से फ्री हैंड ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिलाना है। ये एक है, इस तरीके से तरीके से ये क्या करना है, इसको मिलाना है। अब ये जो आकृति आई हमारे पास, ये क्या है, पैराबोला आकृति है। यहाँ पे हम डाइमेंशनिंग कर देंगे इस तरीके से, कितनी हमारी लाइन थी। कितनी ली थी हमने, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का मतलब 80 mm। ये हमारा टेंजेंट विधि से
पैराबोला बनाना है। देखिए एक ये इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैराबोला बनाने का दूसरा मेथड बताऊंगा। थैंक यू।